हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट टू ऑफ यूनिट टू ऑल टुगेदर ऑफ सब्जेक्ट ईवीएस स्टैंडर्ड फिफ्थ एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग चैप्टर ऑफ यूनिट टू। बट बिफोर वी विल डिस्कस द रिमेनिंग चैप्टर ऑफ यूनिट टू, वी हैव टू रिवाइज वन स्टोरी विच आई एम started in the previous video. That story is about a young girl Rupal who want to go to school, but due to some reason she don't want to go to school for study. So what will be the reason, that we have to discuss in this video. Okay, so let's begin. Rupal used to feel that she should go to school, but she could not because she was not like other children. जो रूपल है वो ये चाहती थी कि वो स्कूल जाए और बच्चों की तरह, but she was not like, but वो और बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं थी, वो और बच्चों से बिल्कुल ही अलग थी। she was different, बहुत अलग थी। She could not even play like other children. वो और बच्चों की तरह खेल भी नहीं सकती थी। She was willing to go to school, पर वो उसकी ये इच्छा थी कि वो स्कूल जाए, and was very fond of studying, और उसे पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी। What can be done, but ऐसा क्या हो कि वो स्कूल जा पाए। So according to this, some questions have been asked. The first one is, why do you like going to school? Students, these all questions are on the basis of your experiences or your knowledge, okay? And your day-to-day life activity. So students, ये जो question है ये आपके अकॉर्डिंगली पूछे गए हैं ताकि आपकी जो राइटिंग स्किल है वो डेवलप हुए, और ये क्वेश्चन के आंसर बच्चों आपको खुद से लिखने हैं। ओके, तो मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाई डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल, आपको स्कूल जाना क्यों पसंद है, तो वो आपको आंसर अपने से लिखना है। ओके, सेकेंड देखिए, व्हाट डू यू लाइक इन द स्कूल, आपको स्कूल में सबसे अच्छा क्या लगता है, और थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू डू इफ़ यू कैन नॉट कम टू स्कूल, अगर आप स्कूल नहीं आ पाओगे तो आप क्या करोगे। ओके, सो दिस आर सम क्वेश्चन विच हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ओके, तो स्टूडेंट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, नाउ लेट अस रीड द रिमेनिंग स्टोरी ऑफ द रूपल। रूपल हैड बीन सफरिंग फ्रॉम पोलियो, जो रूपल थी वो बच्चों किससे सफ़र कर रही थी, पोलियो, ठीक है। इन बूथ हर लैग सिंस चाइल्डहुड, जिसकी वजह से वो कभी भी चल नहीं सकती थी अपने पैरों पे। ओके, शी कुड नॉट वॉक द हैंड्स, और जिसके कारण वो नहीं चल सकती थी, बट वन सम ऑर्गेनाइजेशन डोनेटेड हर अ व्हील चेयर, बट एक बार क्या हुआ, जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उसको एक व्हील चेयर डोनेटेड की, डोनेटेड यानी कि गिव सम मनी थिंग्स फॉर फूड कॉज, और वी कैन से गुड कॉज, ठीक है। जब हम किसी को पैसे देते हैं या फिर कोई चीज़ देते हैं, सामान देते हैं किसी के भले के लिए, उसे हम कहते हैं डोनेटेड और चैरिटी, ठीक है। शी केम टू स्कूल विद द बॉय हेल्प ऑफ ए नेबरिंग बॉय, शी केम टू स्कूल विद द हेल्प ऑफ ए नेबरिंग बॉय, वो स्कूल, फिर वो रोज़ स्कूल आने लगी किसकी मदद से, उसके पड़ोस में कोई लड़का रहता था, उसकी मदद से वो रोज़ स्कूल आने लगी। नेक्स्ट देखिए, थिंक एंड से, डू यू हेल्प एनीबडी, हाउ स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, बट मैं आपको एक बार समझा देती हूँ अच्छे से। डू यू हेल्प, क्या आपने कभी किसी की मदद की है,
हाउ कैसे की है वो आपको लिखना है। डज एनीवन कम टू स्कूल विद योर हेल्प, क्या ऐसा कोई है जो आपकी मदद के वजह से स्कूल आ पाता हो। तो अगर ऐसा कोई है बच्चों आपकी लाइफ में, आपका फ्रेंड कोई ऐसा है जिसकी आपने मदद की हो उसको स्कूल लाने में, तो आप उसका नाम वो आपको मेंशन करना है। हु कैन कम टू स्कूल विद योर हेल्प ओनली, ऐसा कौन सा बच्चा है जो स्कूल आता है आपकी मदद से, अगर आप उसकी मदद ना करो तो वो स्कूल नहीं आ पाएगा। तो उस बच्चे का उस बच्चे का आपको नाम लिखना है। ओके, फोर्थ देखिए, हाउ डू यू हेल्प दोज चिल्ड्रेन हु हैव अ फियर टू कम टू स्कूल। अच्छा बच्चों, अब आपको ये लिखना है आप उन बच्चों की कैसे मदद करोगे जिन्हें स्कूल आने से डर लगता है। नाउ लेट रीड द नेक्स्ट, एवरीबडी वेलकम्ड हर, रूपल इज हैप्पी टुडे, और यह देखकर सब लोग जो है रूपल का स्वागत करते हैं स्कूल में, और ये देखकर जो रूपल है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हर पेरेंट्स आर हैप्पी टू, और जो रूपल के जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। टीचर एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी, और जो टीचर है और जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी यह देखकर बहुत खुश होते हैं कि जो रूपल है वो स्कूल आने लगी पढ़ाई करने के लिए। थिंक एंड सी, बाय हुज हेल्प कुड रूपल रीच टू स्कूल। बच्चों, अभी हमने ये जो स्टोरी है वो पढ़ी है, उसके बेसिस पे आपके कुछ क्वेश्चन पूछा है जिसका आपको आंसर देना है। देखिए, सबसे पहले है बाय हुज हेल्प कुड रूपल रीच टू स्कूल। तो रूपल किसकी मदद से स्कूल आती थी? रूपल वॉज सफरिंग फ्रॉम पोलियो, जो रूपल है वो पोलियो से सफ़र कर रही थी। ड्यू टू विच शी कुड नॉट वॉक, जिसकी वजह से वो नहीं चल सकती थी। सो एन ऑर्गेनाइजेशन गिफ्टेड रूपल विद अ व्हील चेयर, तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक संस्था थी जिन्होंने रूपल को व्हील चेयर गिफ्ट की थी। एंड हैंड शी वॉज एबल टू अटेंड द स्कूल, और जिसकी वजह से जो रूपल है वो स्कूल अटेंड करने लगी थी। विद द हेल्प ऑफ ए बॉय लिविंग इन हर नेबरहुड, किसकी मदद से? एक बॉय की मदद से जो कि रूपल के नेबरहुड यानी कि पड़ोस में ही रहता था। तो उस बॉय की वजह से जो रूपल है वो स्कूल पहुँच पाती थी। What did Rupal see while coming to school? जब रूपल स्कूल आई तो रूपल ने क्या देखा? रूपल saw school garden, different classes, students। रूपल ने स्कूल का गार्डन देखा, different अलग अलग क्लासेस देखी, बच्चे देखे, टीचर्स देखी, प्लेग्राउंड देखा। When she came to school, जब वो स्कूल आई तो उसने ये सारी चीज़ें स्कूल में आने के बाद देखी। अब नेक्स्ट देखिए, रूपल स्टडीज अलॉन्ग विद ऑल द चिल्ड्रन, जो रूपल है वो पढ़ने लगी सारे बच्चों के साथ। टेल स्टोरी, सिंग सॉन्ग, और वो दूसरे बच्चों की तरह स्टोरीज भी बोलने लगी, गाना भी गाने लगी। आंसर द क्वेश्चंस इन द क्लासरूम, और जो क्वेश्चंस क्लासरूम में पूछे जाते थे उनके आंसर भी देने लगी। एवरीबडी हेल्प्स रूपल, और हर कोई बच्चा रूपल की मदद करता था। हु ऑल माइट हैव हेल्प रूपल, किन लोगों ने रूपल की मदद की? द चिल्ड्रेन लिविंग इन रूपल लोकेलिटी, स्टूडेंट्स एंड टीचर ऑफ द स्कूल हेल्प रूपल, जो बच्चे जो रूपल की सोसाइटी में रहते थे, और जो बच्चे और जो टीचर जो स्कूल में रहते थे उन सभी ने रूपल की क्या की थी? हेल्प की थी। लेकिन देखिए, इन विच वर्क ऑफ द स्कूल डज रूपल नीड हेल्प, ऐसे कौन कौन से स्कूल के ऐसे कौन से कार्य थे जिनमें कि रूपल को मदद चाहिए थी? पहला, टू गेट डाउन फ्रॉम हर व्हील चेयर एंड टू गो टू हर क्लास आफ्टर कमिंग टू स्कूल। पहली मदद क्या थी कि वो स्कूल पहुंच जाए, ठीक है, व्हील चेयर पर। अब वो व्हील चेयर तो खुद नहीं चला सकती, तो उसको पहली मदद क्या चाहिए थी? किसको कोई चाहिए था जो कि उसकी व्हील चेयर को धक्का मार के उसे स्कूल में लेके आ सके, राइट, विद द हेल्प ऑफ व्हील चेयर। ओके, एंड सेकंड क्या थी? व्हेन शी गोज वॉशरूम इन द स्कूल, और जब भी वो वॉशरूम जाती थी
तो वॉशरूम जाने के लिए भी उसे स्टूडेंट की हेल्प चाहिए होती थी। थर्ड, टू गो फॉर प्रेयर एंड अदर प्रोग्राम, और जब भी वो प्रेयर के लिए और स्कूल के अदर प्रोग्राम्स अटेंड करने के लिए भी उसे जो बच्चों की और दूसरे लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक स्टोरी दी है, सी द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी। आपको बच्चों क्या करना है, इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और स्टोरी लिखनी है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, अ पॉटर लिव्ड इन अ विलेज। एक पॉटर, अ पॉटर क्या होता है, जो घड़े वगैरह बनाते हैं ना, मिट्टी के जो घड़े बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉटर। अ पॉटर लिव्ड इन अ विलेज, ही हैड अ डोंकी। उसके पास एक क्या था, डोंकी था, यानी कि गधा था। द पॉटर मेड पॉट्स फॉर हिज लिविंग। जो पॉटर है उसे जीने के लिए वो पॉट बनाता था, ताकि उन्हें बेच के वो जो भी पैसे कमाता था उससे उनका उसका जो घर खर्च है वो चल सके और वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। डेली इन द मॉर्निंग द पॉटर वेंट आउट ऑफ द विलेज, डग क्ले, लोडेड द क्ले ऑन हिज डोंकी एंड ब्रॉट इट होम। जो पॉटर था वो हर सुबह जाता था और जो क्ले है, क्ले को डग डग यानी कि खोद के क्ले लेके आता था, डोंकी पे रखता था और रोज घर आता था। ही सॉक्ड द क्ले एंड प्रिपेयर इट फॉर मेकिंग पॉट्स, और वो क्ले को सुखाता था और सुखाने के बाद वो पॉट्स बनाता था। आफ्टर दिस वॉज डन ही टुक सॉक्ड क्ले एंड प्लेस इट ऑन हिज पॉटर्स व्हील। और फिर उसने क्या किया, वो क्ले को सॉक्ड करता था और पॉट बनाता था। आफ्टर दिस वॉज डन ही टुक चॉकले एंड प्लेस इट ऑन हीज वॉटर व्हील्स, और फिर वो जो क्ले है उसे वो अपनी वॉटर व्हील क्या होती है बच्चों, ये एक मशीन होती है जिसके कारण से इसको जब हम घुमाते हैं तो मिट्टी के जो सामान है वो बनते हैं। ही मेड पॉट्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस विद बोथ हीज हैंड, और वो अपने दोनों हाथों के इस्तेमाल से अलग अलग प्रकार के पॉट्स बनाता था, अलग अलग के साइज के बनाता था। ओके, नेक्स्ट देखिए, थिंक एंड से। आपको यहाँ पे भी कुछ बच्चों क्वेश्चन पूछे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस पिक्चर विच इज गिवन। फर्स्ट देखिए, फ्रॉम वेयर डज द पॉटर ब्रिंग ग्रास फॉर द डोंकी। जो पॉटर है वो ग्रास कहाँ से लाता था बच्चों, ये आपको अपने से दिमाग लगा के इसके आंसर देने हैं। द पॉटर ब्रिंग्स ग्रास फॉर द डोंगी फ्रॉम आउटसाइड द विलेज। जो पॉटर है वो डोंगी के लिए ग्रास विलेज के बाहर से लाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु मे बी द ब्रिंगिंग वाटर फॉर द पॉटर टू सॉक द सॉयल। ठीक है, जो पॉटर के लिए कौन पानी लेके आता था जिसकी वजह से जो पॉटर है वो अपनी क्ले को सुखाता था। आइदर द पॉटर ब्रिंग द वाटर रिक्वायर्ड टू सॉक द क्ले हिमसेल्फ, और हिज डॉटर और वाइफ वुड ब्रिंग इट। हम ये कह सकते हैं अपने अनुभव के हिसाब से कि जो पॉटर है वो पानी या तो खुद लाता होगा, या तो उसकी जो वाइफ है या फिर उसकी जो डॉटर है वो उसके लिए पानी लेके आती होंगी। थर्ड देखिए, हु वुड हेल्प द पॉटर टू मेक पॉट्स। पॉटर की कौन मदद करता था पॉट बनाने के लिए, द पॉटर्स वाइफ हेल्प हिम इन प्रिपेयरिंग पॉट्स। पॉटर की जो वाइफ थी वो पॉटर को मदद करती थी पॉट बनाने के लिए। फोर्थ देखिए, व्हाट मे द पॉटर रिक्वायर टू फायर द पॉट्स। ठीक है, तो पॉटर है उसको क्या चाहिए होता था। ठीक है, द पॉटर मे रिक्वायर ड्राई ग्लास, वुड, कोल एक्सेट्रा टू फायर द पॉट्स। ठीक है, पॉट्स को फायर करने के लिए जो पॉटर है वो ड्राई ग्रास यानी कि सूखे घास का इस्तेमाल करता था, लकड़ी का इस्तेमाल करता था, कोल का इस्तेमाल करता था। नेक्स्ट देखिए, हु वुड सेल द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग द पॉट्स टू द पॉटर। द ट्रेडर सेलिंग ग्रास एंड वुड सेल थिंग्स रिक्वायर्ड टू फायर द पॉट्स टू द पॉटर। जो ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स यानी कि जो बेचने वाले होते हैं ना, जो ट्रेडिंग करते हैं यानी कि परचेजिंग और सेलिंग का काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रेडर। द ट्रेडर सेलिंग ग्रास एंड वुड सेल
सेल थिंग्स रिक्वायर्ड टू फायर द पॉट्स टू द पॉटर। ठीक है, जो ट्रेडर्स थे वो बेचते थे घास को, वुड को, और सेल करते थे रिक्वायर टू द फायर द पॉट टू द पॉटर, और वो फिर पॉट को देते थे पॉटर को। ठीक है, पॉट्स देते थे पॉटर को। सिक्स वन देखिए, हैव यू एवर परचेज अ पॉट? स्टूडेंट यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन आंसर बाय योरसेल्फ। क्या आपने कभी पॉट खरीदा है, हाँ या ना? तो वो आपको अपने हिसाब से लिखना है इसका आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्हाट अदर पर्पसेस इज द पॉट यूज फॉर? जो पॉट है, जो घड़ा है, वो और कौन कौन सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है वो आपको लिखना है। द पॉट इज़ यूज टू फिल वाटर, जो पॉट है वो पानी भरने में बहुत अच्छा काम आता है। पॉट इज़ यूज टू स्टोर ग्रेन, और जो हमारा जो नाश है, जो खाना है, उसको स्टोर करने में बहुत काम आता है। पॉट इज यूज्ड इन सर्टेन रिलीजियस पर्पस बाय प्लेसिंग कोकोनट अबव इट। और बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जहाँ पे कि पॉट का इस्तेमाल किया जाता है उसके ऊपर नारियल रखने पर। ओके, नाउ देखिए, थिंक एंड राइट, वेरियस काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, एक्सप्लेन गिविंग इंस्टेंट हाउ द फॉलोइंग थिंग्स आर यूनाइटेड और कनेक्टेड विद वेरियस प्रोफेशन। यानी कि स्टूडेंट्स, आपको इस एक्टिविटी में बताना है कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स, ठीक है, आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और आपको ये बताना है कि ऐसी क्या चीज़ है कि वो आपस में यूनाइटेड रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, अलग अलग प्रोफेशन होने के बावजूद भी। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट आपको दिया गया है पॉट। ठीक है, प्रोफेशन क्या है, हाउ दे आर कनेक्टेड, वो आपस में कैसे कनेक्ट रहते हैं। पॉटर मेक्स पॉट, जो पॉटर है वो पॉट बनाता है, जो ड्राइवर है वो ट्रांसपोर्ट करता है पॉट, पॉट यानी कि उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। और थर्ड है बिजनेसमैन, सेल्स पॉट, और जो बिजनेसमैन है वो पॉट्स को बेचता है कस्टमर्स को। ठीक है, तो ये आपस में कनेक्ट रहते हैं। कौन कौन कनेक्ट रहता है, पॉटर, ड्राइवर एंड बिजनेसमैन। लेकिन देखिए, आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम दी गई है, तो प्रोफेशन देखिए क्या है, हाउ आर दे कनेक्टेड, जो आइसक्रीम है वो आपस में कैसे कनेक्टेड रहती है। और ये देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, एनिमल हस्बेंड्री। ओके, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि कलेक्ट मिल्क, एनिमल हस्बेंड्री क्या मदद करती है, दूध इकट्ठा करने में, राइट। बिजनेसमैन क्या करता है, बाय मिल्क एंड मेक आइसक्रीम, जो बिजनेसमैन है वो दूध लेता है और फिर उसके हेल्प से वो आइसक्रीम बनाता है। और जो वेंडर है वो क्या करता है, सेल करता है आइसक्रीम। ठीक है, तो आइसक्रीम के प्रोफेशन में भी एनिमल हस्बेंड्री, बिजनेसमैन और वेंडर आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। थर्ड देखिए, क्लोथ्स। ठीक है, क्लोथ्स में क्या दिया है बच्चों, प्रोफेशन, हाउ आर दे कनेक्टेड। ठीक है, क्लोथ्स में कैसे कनेक्ट, सबसे पहले होता है टेलर। टेलर क्या करता है बच्चों, स्टिच करता है क्लोथ्स को, सिलता है। शॉपकीपर क्या करता है, बाय सेल क्लोथ, वो खरीदता है और बेचता है कपड़ों को। और वॉशरमैन यानी कि धोने वाला क्या करता है, वॉशिज द क्लोथ, वो क्लोथ्स को अच्छे से साफ सुथरा करता है। नेक्स्ट देखिए, मैनी पीपल टॉयल हार्ड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू अस, ऑल वर्क्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, नो वर्क इज कंसिडर्ड लो और हाई, डिपेंडिंग ऑन ईच अदर वी ऑल लिव इन एन ईजी लाइफ। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या बोला गया है कि सारे जो पीपल हैं, बहुत सारे पीपल क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ताकि वो हमें फैसिलिटीज को क्या कर सके, प्रोवाइड करा सके, राइट। ऑल वर्क्स आर इक्वली, सबका काम इक्वल होता है, कोई बड़ा नहीं होता और ना ही कोई छोटा होता है। डिपेंडिंग ऑन ईच अदर वी ऑल लिव एन ईजी लाइफ, अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो हमारा जो काम है वो हमें क्या लगने लगता है, आसान लगने लगता है। डू वी एवर थिंक अबाउट द टॉयल मेड बाय अ डोंकी,
a potter or his helper while drinking cool water from the pot. स्टूडेंट्स इसमें पूछा है क्या हम ये सोच सकते हैं जो टोंकी है पॉटर है वो आपस में कैसे कनेक्टेड है वाइल ड्रिंकिंग कूल वाटर फ्रॉम द पॉट. ठीक है तो वो आपस में कनेक्टेड हैं ताकि जो लोग हैं वो ठंडा पानी पॉट के जरिए पी सकें. वी डू नॉट इवन थिंक अबाउट द मेकर एंड द सेलर ऑफ एन आइसक्रीम और मिल्क प्रोवाइडर वाइल ईटिंग इट. देखिए हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं जब भी हम आइसक्रीम खाते हैं या फिर मिल्क पीते हैं तो ये हम कभी भी नहीं सोचते हैं कि जिसने ये आइसक्रीम बनाई है वो कैसा है. ठीक है अबाउट द मेकर एंड कभी भी हम जो आइसक्रीम बनाने वाले और आइसक्रीम बेचने वाले के बारे में कभी भी हम नहीं सोचते हैं. थर्ड देखिए वी शुड आस्क अवर सेल्फ वेदर वी आर हार्मिंग द नेचर. हमें एक बार अपने आप से दिल से ये पूछना चाहिए कि क्या हम रियली में नेचर को हार्म कर रहे हैं नुकसान पहुंचा रहे हैं वाइल मेकिंग यूज ऑफ द सोर्सेज अवेलेबल टू अस. ठीक है हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं. ठीक है उस अकॉर्डिंगली क्या हम नेचर को हार्म पहुंचा रहे हैं. वी शुड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व अवर इन्वायरमेंट. हमें हमेशा अपने इन्वायरमेंट को बचा के रखना चाहिए. ठीक है और उसे प्रिजर्व करना चाहिए. ठीक है द गिवर ऑफ ऑल नेसेसिटीज ऑफ अवर लाइफ. ठीक है हमारी जितनी भी नेसेसिटीज हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो इन्वायरमेंट ही पूरी कर रहा है. तो इसलिए ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और उसे प्रिजर्व करें. इट शुड बी अवर मॉरल ड्यूटी टू हैव अ पैशन ऑफ होमेज फॉर इट. हमें उसके प्रति एक सहानुभूति होनी चाहिए. वी शुड हैव अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टूवर्ड्स इट और हमारे नज़र में उसके लिए एक बहुत ही अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए नज़रिया होना चाहिए. देखिए मैनी अ टाइम वी हार्म नेचर टू अवेल वेरियस फैसिलिटीज. हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में बहुत बार हमने नेचर को क्या किया है हार्म पहुँचाया है. अवर लाइफ इज डिपेंडेंट अपॉन मैनी नेचुरल रिसोर्सेज एंड पीपल. हमारी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से निर्भर है बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज लाइक प्लांट ट्रीज एनिमल्स के ऊपर एंड पीपल्स. ठीक है और यहाँ पे देखिए मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल. ठीक है इसका मतलब क्या है बहुत सारे हाथ अगर मिल जाएं तो हम किसी भी काम को आसान कर सकते हैं और अगर हम सब मिलकर खड़े हैं तो हम जो डिवीजन की जो दीवार है उसे गिरा सकते हैं. तो स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा वी हैव लर्न दैट एनवायरनमेंट गिव अस एयर वाटर फूड लैंड एक्सेट्रा इन आवर कंट्री मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल बट वी ऑल आर इक्वल राइट. बट हम सब क्या है इक्वल है. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस ऑल फैसिलिटीज एंड मेंटेन इट एंड प्रिजर्व दैम. ओके और इसी के साथ स्टूडेंट हमारा यूनिट 2 यानी कि ऑल टुगेदर स्टैंडर्ड 5th पार्ट 2 इसी के साथ कंप्लीट होता है और हमारा चैप्टर जो है इस वीडियो के साथ पूरा चैप्टर जो यूनिट 2 है हमारा फिनिश हो गया है. ओके तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है और यहाँ पे जितने भी थिंक एंड से में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको अच्छे से करना है. ओके सो बाय एंड टेक केयर.